तो इसको मैं अभी बढ़िया तरीके से अनबॉक्सिंग कर रही हूँ कि आप अमेजोन से अगर वॉल सेल्फ मंगाना चाहो घर के लिए तो आप मंगा सकते हो। नहीं मंगाना चाहे तो नहीं मंगाना चाहो तो मत मंगाओ, बट आपको मंगाना चाहिए। ऐसे ऐसी चीजों में कभी कभी पैसे खर्च करना चाहिए। पैसे जो होता है ना हाथ की मेल की तरह होता है, खर्च करोगे तो पैसे आएगा, इसलिए मैं ये बोल के हमेशा खर्च करने का कोशिश करती हूँ। बट ये पीछे जो कैमरे के पीछे जो इंसान है वो एक नंबर के खड़ूस है, इस वजह से मैंने ये वाला उसको बिना पूछे ही ऑर्डर कर दिया था। दुनिया के सारे पति खड़ूस होते हैं पैसे खर्च करने के अंदर। ओके वाह, ये क्या हुआ? ये मैंने वॉल से मंगाया है, ये कुछ ऐसा है दिखने में। अब इसका वो पता नहीं, थोड़ा सा दिखने में ऐसे हो रहा खाली है। लकड़ियों के पैसे दिए हैं तूने? खाली लकड़ियों के पैसे दिए हैं? खाली लकड़ी क्या होता है, इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो खाली लकड़ी है ना ये तो? खाली लकड़ी तो इंजीनियर हो भाई, लगाओ दिमाग, करो इसको ऐसा ऐसा बना दो यार। अगर सेम है आपको ये, अगर वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है ना, अगर आप बना सकते हो इसको तो ड्रिल मशीन ये मंगा खाली लो इतना ही इसको। आया? कैसे लगेगा ये? तो लगेगा कैसे, कुछ आइडिया तो दे। चलो ठीक है दोस्तों, ये जो भी प्रोडक्ट है आपको भी अगर समझना है तो ऑर्डर कर लेना। नीचे फिर उसके ऊपर उससे छोटा यार फिर ये उस, वाले इसमें काम आ जाएंगे कि टूटेंगे तो बहुत नहीं छोटे हैं ये, हैं? बाहर से ले आऊंगा ये मैं। अब इसमें बड़ा छोटा हो रखा है क्या? दिया तो इतना ही है, तीन 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 चार तीन सात चलो चार। ठीक है, तो आप सेटिस्फाइड है इस प्रोडक्ट से? अभी लगने के बाद पता पड़ेगा, बट दिखने में तो सही लग रहा है। ओके ओके टाइप, मुझे इतना इतना सा वैसे शायद मैं इसको रिटर्न करूंगी। मुझे थोड़ा मजा कम आया इसमें, क्योंकि इसमें है ना मैंने सोचा था फूल वगैरह रखूँ, मतलब थोड़ा सा गार्डन वगैरह रखूँ घर में, एयर प्यूरीफायर वाले जो कभी रहते हैं। पुच्चू को भी रख दे, मतलब जैसे जगह नहीं हो रही है घर में तो बच्चों के लिए जगह बनाया ना मैंने। यहाँ पे आएगा नहीं पुच्चू। हाँ अरे मैं बेड इससे लूंगी ना, आपको भी पता ही नहीं है यार मैं कितना क्या दिमाग लगा रही हूँ। मैं बेड ये पूरा कोने में करूंगी, फिर पुच्चू को चढ़ के एक एक सामान वो गिराएगा नीचे, फिर पुच्चू के पापा भागेंगे, अरे पुच्चू पुच्चू नो। बहुत और अभी सोनू मैडम कॉफी बना रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कड़वी बन गई है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों रात की बज रही है 11, और इस इंसान को क्या है अभी गाना गाना बजा के बोल रहा है कि मेरे गाना रिकॉर्ड कर, और इस टाइम पे मन कर रहा है यूं एक यूं खींच के पड़े। और इस बेचारा मेरा बच्चा सो रहा था, मेरा बच्चा का नींद भी तोड़ दिया। अरे ना कुछ हाँ कोई बात अब नहीं, कुछ ओले बच्चा, नहीं, छो जा बच्चा, छो 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 छो। आधी रात को क्या है, इन जनाब की फरमाइश से इनके लिए सूप बना के लेके आए हम, और मेरा पुच्चू जो है ये भी उठ चुका है इनके गिटार के ये तो सुरीली आवाज मेरे से। मेरे गाने सुनना चाह रहा था ये। गाना सुनना नहीं चाह रहा था ये, इसकी नींद तोड़ा आपने। मैंने नींद नहीं तोड़ा है, ये चाह रहा था कि मैं गाने सुनूं, अभी नींद नहीं लेनी है, पापा के गाने सुनना है इसको। तो बात ये है, जो ये जो है ना, इनकी शक्ल गौर करके देखना है, पुच्चू भी नहीं, ये जो जनाब बैठे ना पीछे, ये सड़ियल सा मुंह लेके, इनकी शक्ल देखना, ये बोलते हैं हम डाइटिंग करते हैं और फिर आधी रात को इनको लगती है भूख।
भूख लगती है तो क्या आधी रात को। पापड़ इतना हेल्दी है आपको क्या पता, पापड़ तो कुछ नहीं होता और मैं तो दांत भी सही हो गया। ये कप के अंदर क्या है, काढ़ा सूप है, हॉट एंड सोर सूप। यार हॉट एंड सोर सूप को मारवाड़ी में काढ़ा ही बोलते हैं। बात यह है, ये बेसिकली हम काढ़ा पी रहे हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेज लोग बोलते हैं हॉट एंड सोर सूप। और ये क्या है, पापड़ के ऊपर है ये, क्या है ये, पापड़। ये पापड़ ही है क्या? हाँ? इसको भी कुछ बोलते नहीं है क्या अलग से, ऐसे क्रिस्पी कुछ ऐसे? हाँ? मतलब इसका नजर देखो ना। अरे पुच्चो नजर मत लगा हमारे, अभी नहीं आया तेरा टाइम। नहीं 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 नमकीन नहीं, पुचड़ी क्या खा रहे हो? ये मेरे को तो चम्मच से पिला था। पुच्चू ये है तेरे लिए, ये देखिए ये वाला है ना पुच्चू। बेटा थोड़े दिन और रुक जाए, अभी छीनने लग गया। मैं तो बोलने वाला था ये बाद में छीन के खाएगा। पुच्चू ऐसे ऐसे मम्मी को खिलाते हैं ऐसे। छोड़ ही नहीं रहा। पकड़ो अब क्या, वो पकड़ोगे नहीं? नहीं पकड़ रहा मैं, नहीं पकड़ रहा, मेरे से छीन के खा रहे लोग। हाँ खिला दो। हाँ नहीं उधर खुद नहीं खाना बेटा, पहले माँ को खिलाना होता है ऐसे। ये माँ तो सारे खा लेगी। पुच्चू ये दूधू, ये देख ये है तेरे लिए, ये वाला दूध तुम्हारे लिए। हाँ ये समझ गया ना, ये पीना है तुम्हें। या जानू ऐसे तो ये बड़ा होने के बाद अपन को कुछ खाने ही नहीं देगा ये। इसको बर्गर किंग लेके जाऊंगी मैं, बोलूंगी बेटा जितना बर्गर खाना है उतना बर्गर खा, जो खाना है खा, है ना बेटे? आऊंगा ही नहीं। आपको जाना ही नहीं है, हम दोनों ही चले जाएंगे। देखते हो तो वक्त होता है। अरे मैं बोल रही हूँ ना। अगले दिन की शुरुआत हो गई है मेरी बीवी बीवी के साथ में खाना बनाते हुए। अरे भाई रोटी ने तो आज जवाब दे दिया कि हाँ आप रोटी मस्त बनाते हो। इसको इधर रखा हुआ है ये थोड़ा पिघलने के लिए। अब देखो ना ये बहुत काम का चीज है यार, मतलब घी इतना मस्त तरीके से लगता है ना इसमें, मजा लगता है। सो गाइज गुड मॉर्निंग, सुबह का राम राम सबको। और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ रोटी, और इधर मेरा बन चुका है चावल। ये चावल आज मैं मस्त तरीके से, चावल मजा आ गया, मतलब सोच ही नहीं सकती। ये बन गया है मेरा चावल, और इधर मैंने बनाया है छोले की सब्जी। ये भी बहुत ही टेम्पटिंग है दिखने में भी और खाने में भी, होगा ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बनाया मैंने है। मैं अच्छा बनाने लगी हूँ आजकल खाना थोड़ा सा मेरे लिए। और चावल बन गया, ये सारे चीज़ें बन गए। अब मैं अभी जो टाइम हो रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, थोड़ा यूं करके देख लो। नहीं देख रहा। 8:30 बज गए होंगे। तो उधर जो है कोको अभी क्या है, कोको अभी देख रहा है क्योंकि कोको का भी खाना चढ़ा दिया है मैंने, और कोको का अभी नजर थोड़ा सा इधर ही है कि कब मुझे खाना खिलाएंगे। कोको तुझे अब दोपहर तक खाना नहीं मिलेगा, भले कितना ही मुंडा दिखा दे। करो यार बेचारा, कल रात को 4-5 ही रोटी खाया था, 5 नहीं सॉरी 6 रोटी खाया था। अब अंदर नजर मत डालना, नजर लगाता है हमारे रोज रोज, नहीं देंगे खाना दोपहर तक, समझ गया कोको? डाउन डाउन पूरा डाउन, सर नीचे कर, तेरा नीचे कर दे सर, कोको पूरा डाउन हो जा। कौन नहीं कर रहा? कौन नहीं कर रहा? पूरा डाउन, पूरा डाउन कोको, पूरा सर नीचे कर। ये अंदर मत जाका करे सर, ठीक है? हाँ क्या खाना नहीं देते क्या हम तेरे को? नीचे कर सर, नहीं करेगा? तो सुबह
सुबह सुबह मैंने रोटी वोटी सब चीजें बन गया है, ये कोको का खाना बन रहा है और इधर कोको का तो आज भी आप लोगों को पता ही है। और कल मैं छुट्टी लिया था, कल मैंने पूरे दिन व्लॉग भी नहीं बना पाई। एक्चुअली परसों मेरे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब मैं रास्ते में गिर गई थी और गिरी ऐसी थी कि लगा नहीं, मेरे कुछ लगी नहीं है। लग तो सकता ही नहीं है ना, तो मास ज्यादा है ना मोटा शरीर में, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रही हूँ मोटा है तो मोटा शरीर में लगता नहीं है। एक बार मेरे साथ में तूने स्कूटी के पीछे गिरी थी ना, बॉल की तरह टप्पा खा के आगे चली गई। हम तो घिसते हैं, हम छुलते हैं, तुम तो टप्पा खा जाते हो। मंदिर से ऐसे नीचे जा रहे थे जब ना, बहुत ही भयानक हुआ था वो। सही में मैं ऐसे बाउंस कर जाती बॉडी यार तेरे वापस, मतलब आई एम फ्लेक्सिबल इन वर्क आल्सो इन होम आल्सो एंड एनीवेयर। और सही में एक बार छत से फेंक के देखना वापस आती है क्या ऊपर। तो उसमें फिर ऐसा होता है ना, इसमें दोनों जने गिरेंगे, मैं भी मतलब आपके टांगे पकड़ा हुआ होगा कि ले फेंक के बता। इतना बकवास जो यार, मेरे को पूरा दिन खराब जाएगा आज। हाँ तो ये चीज है गाइस, तो आज अभी बस खाना वाना सारा बन चुका है, बनाने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मुझे हो चुकी हूँ लेट। और लेट नहीं हुई हूँ वैसे तो, थोड़ा सारा काम कंप्लीट है, मतलब पुचू का भी खाना वाना बना दिए खिला दिए, बस रोटी बना रही हूँ। रोटी इन जनाब के लिए बन रहा है, मेरे लिए है नहीं क्योंकि मैं चावल खाऊंगी आज छोले के साथ में। छोले के साथ जो चावल का मजा है ना, मैं अभी खा लूँ बट मुझे पूजा करके खाना है क्योंकि अभी कार्तिक का पंचुक वाला महीना चल रहा है, मतलब कार्तिक महीने का पांचवा दिन चल रहा है, मतलब पांच दिन ही बाकी है कार्तिक में। बोले पांचवा दिन चल रहा है और पांच ही दिन बाकी है, दस ही दिन होते क्या? अरे कार्तिक के लास्ट वाले पांच दिन होता है ना, ये बहुत पुण्य के दिन होते हैं। सुबह आपको 4 बजे उठ के नहा के पूजा करना होता है, मैं 5 बजे उठी तो थी बट नहीं और पूजा नहीं की। हाँ मैंने खाना भी सबसे पहले मेरे जो प्राधान्य था ना खाने में ही था, मैंने खाना बना देती हूँ फ्री हो जाती हूँ खाना बना के, फिर उसके बाद में पूजा पाठ करते रहेंगे। तो ये चीज है। और कार्तिक के पूर्णिमा आ रहा है और कार्तिक की पूर्णिमा के जस्ट अगले वाले दिन होता है छाड़खाई, और छाड़खाई में मैं दवा के नॉनवेज खाने वाली हूँ क्योंकि छाड़खाई में हमारे उधर बंगाल साइड में और उड़ीसा के साइड में दोनों साइड में ये चीज होता है। आप लोग पूरे कार्तिक के महीना में नॉनवेज नहीं खाते हो, फिर जो पूर्णिमा के अगले दिन आता है वो छाड़खाई होता है और वहाँ पे हमें फुल नॉनवेज खाना होता है, चिकन हो गया, मटन हो गया, मच्छी हो गया। मैं सोच रही हूँ फिश ही मंगा लेते बेबी उस दिन। मेरे पति जो है वो नॉनवेज खाता नहीं था पहले, अभी भी नहीं खाता है। नहीं नहीं रुको, ये कॉलेज टाइम में खाते थे उनके सो कॉल्ड फ्रेंड अंकुरिये के साथ में चिकन खाते थे, मुझे बोला था इन्होंने तो। एक्चुअली अंकुर का नाम अंकुर ये क्यों बोलते हैं, मतलब ये नहीं समझ आता, मतलब ऐसे क्या ओए अंकुर ये इधर आ, मतलब वो क्या हमारे सारे नाम के अंदर है ना, उसको बिगाड़ा जाता है थोड़ा सा, उससे क्या प्यार बढ़ता है। जैसे आपका मेरा नाम तृप्ति है तो क्या बोलोगे, तेरा तो मुन्नू रख दिया ना फिर प्यार से अलग। तो मुन्नू को क्या बिगाड़ोगे, मुन्नू को क्या बिगाड़ोगे, मुन्नू को हाँ। पता नहीं यार, मुन्नू सोचा नहीं, ये पहले ही बिगड़ा हुआ ही लग रहा है ऑलरेडी मुन्नू। नहीं मुन्नू तो कितना प्यारा नाम है यार, आपको थोड़ी पता है, आपका नाम रवि है। तो सूर्य जी का नाम है शायद मेरे हिसाब से। अब जैसे हमारे कुछ है दोस्त, मतलब सबका बिगाड़ते हैं, रवि को रविड़ा बोल दिए। ओए रविड़ा इधर, ओए रविड़ा कोई नहीं, जो भी हो कॉलेज टाइम का तो बात ही अलग हुआ करता था, अब वो दिन नहीं रहे तो मैं बताऊं मुन्नू का बिगड़ा हुआ नाम मुन्नी नहीं तो उसका तो हमने नाम ही अलग रखा हुआ है। देखो बोलना मत ये वाला नाम, गलती से मत बोल देना, मैं सही में फटूंगी, मैं मजाक में। सो मैं हो चुकी हूँ तैयार और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, और इधर पतिदेव जी कुछ बोलना चाहेंगे, टाइम आपका हुआ नहीं, खेर इनका बैठने का टाइम नहीं हुआ। तो इधर पुच्चू जो है, पुच्चू को सारा काम करा दिया, लोगों से मिला देती हूँ पुच्चू को। पुच्चू सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग ये से स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोल देता है, और मेरा सारा काम कंप्लीटेड है। तो मुझे सबसे पहले टिफिन लेना पड़ेगा। टिफिन के अंदर ये क्या निकल गया? ओके मेरा
क्लिप जो सबसे ज्यादा जरूरत है मिलता नहीं है टाइम पे, वो मिल चुका है मुझे। कितना टाइम कितना लगता है, सारे चीजें मैं करती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ। टिफिन भी हो गया है मेरा, और मैंने आज सोचा था कि मैं छाछ पी लूँ, बट छाछ आज यूजल मेरे पति आजकल छाछ नहीं बनाने देता है, दूध दही नहीं जमाने देता। ठंड हो गई है, जुकाम लग जाएगा वजह से। और मुझे कोई जुकाम नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, कुछ होगी तो बात। तो इन सब बातों को साइड में रखते हुए मेरा मुंह बांधने वाला सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑफिस जाएंगे तो बाल खोल दूंगी। हेलमेट इधर ही है, मेरे ना चश्मा लेके आना, चश्मा एक ले आना मुझे, क्या तो मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं आज ही ले आऊंगी। आपने इसमें कुछ यूज किया था क्या, बदबू कैसे मार रहा है? हाथ ही नहीं लगाता हूँ मैं तुम्हारी चीजों के। पता नहीं मेरे इससे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। आ जाती है अभी स्मेल तो क्या करे यार, ये खटारा सही है भाई, हम पहनते जब खटारा नहीं रहता वो। तो सारा तैयार हो गया, अब मेरे मोजे कहाँ गए? क्या मोजे कहाँ रख देते हो यार ऐसे? जब आते ही निकाल के फेंकते हो ना ऐसे एकदम कि घर आ गए। कोको बाहर बाहर, अंदर नहीं आना। अरे और आते क्या हो रहा है ये? कढ़ाई में सीधा ये क्या चल रहा है? तिरुपति पुच्ची भी बड़ा होगी यही खाएगा है ना? पुच्ची रोटी खाएगा ये? पुच्चू रोटी वाला इंसान है भाई। नहीं, पुच्चू रोटी नो चावल, ओनली मम्मा चावल। ओके, पुचू को मैं रोटी नहीं सिखाऊंगी, चावल सिखाऊंगी। चावल से पतले रहते हैं, नहीं तो आपकी तरह ऐसे होगा क्या? मतलब एक साल से आप 105 हो, 105 से 104 भी नहीं हो रहा। जो भी हूँ मैं मेरे लिए बहुत फिट हूँ। तो मैं भी मेरे लिए बहुत फिट हूँ। नहीं, हाँ हूँ मैं, भारी वजन है। आपको ज्यादा बॉल को फेंको, कैसे कूदती है बॉल वैसे, तुझे फेंको तू भी वैसे ही कूदती है। एक बार मैंने धक्का दिया था ना दीवार से टकरा के वापस आ गई तू यार, मतलब हद है। कल परसों मैंने धक्का दिया तो दीवार से टकरा के वापस बाउंस हो गए। पुच्चो कई चीज है, अब बाहर नहीं आया है दिन तारा, गिरा देगा ये। पुच्चो ये छोड़ो,